الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم رب زدنا علما أعوذ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا बेशक असा ने रिसालत अता की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू यानी रसूल बनाया शाहिद बनाया गवाह बनाया मुबशिर बनाया और नज़ीर बनाया لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تُسی ایمان لیاؤ اللہ اور اس دے رسول دے نال وَتُعَزِّرُوهُ اور تُسی عزت کرو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وَتُوَكِّرُوهُ اور تُسی ادب احترام کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اس دی تعریف کرو صبح و شام حضرات ہر قسم دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام پیارے آقا امام الانبیاء امام المرسلین اور رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اے مقام قرآن مجید دا 26واں پارا سورت دا نام سورہ الفتح سورت دا پہلا رکوع اور سورہ الفتح دی آیت نمبر 8 اور 9 دو آیات میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں اس دے اندر ادب مصطفیٰ ادب رسول احترام رسول دا تذکرہ کیتا گیا ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام آپ دی ذات پاک دی ناموس تے مر مٹن دا عزم اے ہر مسلمان دا ہونا چاہی دے ہر مسلمان نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کٹ مرن دا عزم شوق ہونا چاہیے
इस दे हवाले दे नाल चंद गुजारशात मारूजात अर्ज करंग। इंसानियत दे नाते भी ये हक बनता है कि हर इंसान नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौकीर करे, इज्जत करे, एहतराम करे। किसी काफर लई भी ये बात जायज़ नहीं कि वह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तोहीन करे, गुस्ताखी करे। बल्कि मुसलमान दा ते ईमान दी जान ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान, अजमत, रिफत। उन्नी देर तक बंदा मुसलमान मोमिन नहीं जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कट मरन दा अजम नहीं रखदा। या सब तो ज़्यादा महबूब नबी मोहतरम अली सलाम नो अपना नहीं समझदा। माँ बाप औलाद नालों हत्ता के सारे जहान नालों वद के प्यार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नल होना चाहिए। फिर वो बंदा पक्का ईमान वाला है, पक्का मोमिन। क्योंकि सहीहुल बुखारी दी हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वालदिही वन नासी अजमाई। उन्नी देर तक तुहाडे किसे एक दा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक माँ बाप नालों, अपनी औलाद नालों, हत्ता के सारे जहान नालों वद के तुहानु अजीज़ और महबूब तरीन जनाब मुहम्मद न होन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्नी देर तक ईमान मुकम्मल नहीं। नबी मोहतरम ते साड़ा ईमान ने, साड़े ईमान दी जान ने, आप दी शान साड़ा ईमान ने, साड़े ईमान दी जान ने। बल्कि इस्लाम ने सानू इस चीज़ का भी पाबंद किया कि किसे नबी दी, किसे पैगंबर दी, किसे अल्लाह दे रसूल दी तनकीस ते गुस्ताखी और तोहीन दी इजाज़त इस्लाम भी नहीं देंदा। यहूदी ईसा अलैहि सलाम नो बुरा भला कह के ते यहूदी ते रह सकदा है। और इसे तरह ईसाई हजरत मूसा अलैहि सलाम नो बुरा भला कह के ते ईसाई ते रह सकदा है। लेकिन याद रखो उन्नी देर तक बंदा मोमिन मुसलमान नहीं रहेगा जब तक प्यारे पैगंबर अली सलाम नो अपनी जान तो भी बढ़ के अजीज़ नहीं समझेगा। अगर किसी ने गुस्ताखी की, नबी मोहतरम अली सलाम दी तोहीन की, तो वह मोमिन नहीं रह सकता। क्योंकि कुरान मजीद नो पढ़ो, एदा मुताला करो तो पता ये चलता है कि शिरक दे नाल भी आमाल बर्बाद होंदे ने। शिरक मुशरक जेड़ा शिरक करता है उदे नाल भी उदे आमाल तबाह हो जाते ने, बर्बाद हो जाते ने। और दूसरा नबी मोहतरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी तोहीन अगर कोई बंदा करता है तो उदे नाल भी आमाल बर्बाद हो जाते, अमल बाकी नहीं रहिंदा।
उस बंदे दा सत्यानाश हो जांदा है जेड़ा नबी मोहतरम अली सलाम दी तोहीन ते गुस्ताखी करदा है। मोमिनो ना उहदा ईमान ये ते है ही नहीं, उस बंदे दा रेंदा ही कख नहीं जेड़ा नबी पाक नू बुरा भला कहंदा है। कुरान मजीद दी वाजे दलील है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ईमान वालियो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करो, किते ऐसा ना होवे तुहाडे अमाल जड़े ने तबाहो बर्बाद कर दिते जान। पता लगा इताअत रसूल और इताअत अल्लाह ना, अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी मनन ना इंसान दे अमाल बचदे ने। अगर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गुस्ताखी कीती जाए ते अमाल कदी नहीं बच सकते, तबाह बर्बाद हो जाते। अगर कुरान और सुन्नत दा बगौर मुताला कीता जाए ना ते पता ये चलता है, कुरान और सुन्नत दा बगौर मुताला करिए, कुरान और हदीस दे अल्फाज दी औराक दी वर्गदानी करिए ते पता ये चलता है कि दरख्तां ने भी, दरिंदियां ने भी, जमीन ने भी, आसमान ने भी, पहाड़ा ने भी केड़ी केड़ी चीज है जिन्हां ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं नहीं पहचानिया। इमाम इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी एक किताब मशहूर जमाना उहदे अंदर ये बात लिखी, ये वाकया दर्ज किया है। कुछ लोग इकट्ठे होके बैठे सन, ईसाई भी, यहूदी भी और मुसलमान भी। उन्हां दे विचों एक काफर ने नबी मोहतरम अली सलाम की तोहीन की, गुस्ताखी की। उस मजलस च कोई ना बोलिया, ना यहूदी, ना ईसाई, ना मुसलमान, कोई ना बोले। हालात दी बेहतरी वास्ते सारे खामोश रहे, कोई ना बोलिया। इमाम इब्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह ताला ने ये वाकया दर्ज किया अपनी किताब के अंदर कि करीब ही एक कुत्ता, जिन्हों से जानवर कहने, दरिंदा कहने, इंसान नहीं हैवान कहने, करीब ही वह बन्निया होया सी ते उस कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिता। हत्ता कि उन्हें अपना जड़ा ना रस्सा तोड़ा लिया, रस्सी तोड़ा ली ते वह बंदियां दी तरफ दौड़िया आ रहा। जड़ा उहदा मालक सी कुत्ते दा, उन्हें उन्हों फड़ के दोबारा बन दिता। लोग कहन लगे, चैम गोइया शुरू हो गई, बातां शुरू हो गई। लोग कहन लगे कि तू नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम दी गुस्ताखी कीती, तोहीन कीती, अल्फाज ऐसे नाजेबा बोले जिदी वजह तो कुत्ता तेरे वल आया, साढ़े वल नहीं आया। वो बंदा कहन लगा जिन्हें गुस्ताखी कीती सी, वो कहन लगा कुत्ते नूं की पता, कुत्ते नूं की पता कि मैं किदे बारे गल कीती। लेकिन उस कम अकल नूं ये नहीं पता कि अल्लाह ने दरिंदियां नूं भी ये शऊर दिता है मुहम्मद मुस्तफा कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा उन्हें गुस्ताखी का इरतिकाब किया, दोबारा लफज बोले मजलस के अंदर, और वेखन वालिया ने वेखिया जेड़े ईसाई यहूदी मुसलमान सन, उन्होंने वेख्या कुत्ता दोबारा अपना रस्सा तोड़ाया ते बंदियां दी तरफ भज्जिया आ रहा, दौड़िया आ रहा। ते आ करके
उन्हें उस बंदे नू दबोच लिया जिन्हें नबीए मोहतरम की गुस्ताखी दे कलिमात अपनी जुबान चो कढ़े ने ना तोहीन की गुस्ताखी की ओदा गला फड़ लिया दबा दिता उन्हें छड़े ही उदों जदों बंदा दुनिया तो चला गया। इमाम इबने हजर असकलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अद-दुररुल कामिला उदे अंदर ये वाकया दर्ज किया बल्कि ए फ्रांस दे सदर ने जड़ी गुस्ताखी की थी कई लोगों ने कुत्ता मैं कहांगा इन्हों कुत्ता भी ना कहो ये कुत्तियां नालों भी बदतर है क्योंकि कुत्ते ने गुस्ताखे रसूल नू मारे है इन्हों कुत्ता भी ना कहो कुत्ते तो भी बदतर है क्योंकि देख लो कुत्ते ने मार छड़िया गुस्ताखे रसूल रहन नहीं दिता और दसे आए वे गुस्ताखे रसूल दी इको ही सजा सर तन से जुदा मार दिता है उन्हों रहन दा कोई हक नहीं उन्हों जीन दा कोई हक नहीं उन्हों जिंदगी दियां सावा लैन दा कोई हक नहीं जेड़ा पाक पैगंबर अली सलाम दी तोहीन करदा है बेअदबी करदा है गुस्ताखी करदा है तवज्जो करना मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम ने कुरान करीम दे अंदर भी आप दा अगर करीबी है रिश्तेदार भी है यानी अबू लहब चचा है रिश्ते दे अंदर नबी मोहतरम अली सलाम दा अगर आप दा रिश्तेदार भी है आप दा करीबी खानदानी ताल्लुकदार भी है लेकिन उन्हें जदों एक गल आखी ना ऐ मुहम्मद तेरे हाथ टूट जान तौबा माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह अलैहि औज़ुबिल्लाह एक गल जदों नबी मोहतरम दा करीबी रिश्तेदार यानी चचा ए लफज बोलदा ते आसमान वाला खामोश नहीं रहा आसमान वाले ने कुरान उतार के मदनी करीम दे सीने पाक ते दसिया ए वे के जेड़ा गुस्ताखी करे अल्लाह खामोश नहीं रहिंदे उहदा जवाब देंदे ने मुसलमानो शऊर करो होश करो होश दे नाखुन लवो अल्लाह खामोश नहीं रहिंदे गुस्ताखी दा जवाब देंदे ने। अल्लाह करीम ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिं व तब मा अगना अनहु मालू व मा कसब सयसला नारं जात लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हबलुम मिन मसद। अल्लाह करीम ने फरमाया अबू लहबा नबी दा रिश्ते दे अंदर चाचा ही क्यों नहीं ए अबू लहब तबाद तू हो जाए बर्बाद तू हो जाए तब्बत यदा अबी लहबियों तब तू एक ने तो बमाजला मेरे पाक पैगंबर दे हाथ दे बारे कहना ए टूट जाए। अल्लाह पाक कहंदे ने मैं कहना तब्बत यदा अबी लहबियों तब तेरे दोवें हाथ टूट जान बर्बाद हो जाएगा तू तबाह हो जाएगा मा अगना अनु मालू व मा कसब ए तेरा माल जेड़ा तेरी दौलत जेड़ी है ये भी तेनू नहीं बचा सकेगी। ए कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने सिक्के बंद लफ्ज ए कलिमात ए अल्फाज ए अल्लाह पाक ने मोती परो छड़े मा अगना अनु मालू व मा कसब ए तेरा माल भी तेन
इन्हों नहीं बचा सकेगा, यानी गुस्ताखे रसूल दा माल भी उन्हों बचा नहीं सकदा। किन्ना अमीरी क्यों ना होवे मुलक, किन्ना अमीरी क्यों ना होवे ओ बंदा जिन्ना गुस्ताखी करदा है। रब दा कुरान आंदा मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, एदा माल भी तबाह हो जाएगा, एदा माल तबाह हो जाएगा, एदी अकानमी तबाह हो जाएगी, एदा कारोबार, एदा जाहो जलाल तबाह हो जाएगा। सयसला नारन जात लहब, इनू अन करीब जहन्नम दा इंधन असी बनावांगे, जेड़ा गुस्ताखी करद है, जेड़ा नबी मोहतरम दी तोहीन करद है, इनू जहन्नम दे अंदर असी सुटांगे। ए बेईमान जहन्नम दा बालन है, ते मैं कुर्बान जावा सदके जावा, अगे कुरान पाक ने आख्या वमरअतुहु हम्मालतल हतब, अबू लाब गुस्ताखी तू कीती है ना, ते तेरी बीवी जड़ी है ओ भी मर जाएगी, ओदे गले दे अंदर भी फांसी दा फंदा पै जाएगा, गले दे अंदर रस्सी आ जाएगी और ओदे रस्सी दे नाल फांसी दा फंदा पै जाएगा, मर जाएगी। इंजी होया, इंजी होया। ए आयत ए कुरान मजीद दी सूरह लहब, ए ओदो नाजल होई, अजे अबू लहब भी जिंदा सी, ओदी घर दी भी जिंदा सी। ए आयत ए आयात नाजल हो गईयां, ते होया उंजी, अबू लहब भी जिल्लत ते रुसवाई दी मौत मरे है, ते अबू लहब दी घर वाली जेड़ी है ए लकड़ियां दा गट्ठा चुक के लिया रही है, लकड़ियां रस्सी दे नाल बनियां होईयां, ओ होई लकड़ियां दा गट्ठा गिरे है, ते ओ ही रस्सी एदी बीवी दे गले विच पै गई है, मन का टुट गया, जिल्लत ते रुसवाई दी मौत मरी। कुरान सच कहंदा है, पता लगा अल्लाह पाक दा कुरान भी सच है, ते नबी पाक दा फरमान भी सच है। कुरान आया वमरअतुहु हम्मालतल हतब, ऐ गुस्ताखे रसूल तेरी बीवी दे गले दे अंदर फांसी दा फंदा पै जाएगा, एदे नाल ही ओ मर जाएगी। इंजी होया, पता लगा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, उनु जीन दा कोई हक नहीं, उनु दुनिया ते रहन दा कोई हक नहीं, जेड़ा पाक पैगंबर दी गुस्ताखी ते तोहीन करदा है, जेड़ा नबी मोहतरम अली सलाम ते तबर्रा बाजी करदा है, जेड़ा आप दी बेअदबी करदा है, आप दा एहतराम नहीं ना करदा, उनु जीन दा भी कोई हक नहीं, क्योंकि कुरान आंदा है इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतं व असीला। ऐ कुरान मजीद कह रहा है, मेरे पैगंबर दी इज्जत करो, मेरे पैगंबर दा एहतराम करो, ले तुमिनो बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु, मेरे नबी दियां इज्जतां करो, मेरे नबी दियां तौकीरां करो, मेरे नबी दी गुस्ताखी ना करिया जे, बेअदबी ना करिया जे, मेरे नबी अली सलाम दा अदब ते एहतराम करिया जे। सदके कुर्बान जावा, आओ जरा तवज्जो करना, हदीस सहीह बुखारी अंदर है, बड़ा दिलचस्प वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल कीता है। एक वाकया, यानी नबी अली सलाम जा रहे ने, ते चंद सहाबा भी नाल ने, ते सहाबा इकराम भी नाल ने, ते नबी मोहतरम भी नाल ने, आप अली सलाम जा रहे ने, आप दी सुन्नत हुंदी, आप दा ए अमल हुंदा, आप अली सलाम
ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਬੀ ਮੁਹਤਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਏ ਇਹ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਇਹ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਲਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾ ਲਏ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਯਾਨੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਏ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਿੜੀਆ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਚਿੜੀਆ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਰ ਪਾਕ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਏ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕੌਣ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕੌਣ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਥੀਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਚਿੜੀਆ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਹਾਬਾ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਤਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਏ ਆਪ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਨੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਠਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਰ ਪਾਕ ਤੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੀ ਅਦਬ ਏ ਇਹ ਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਏ ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਉ ਵ ਮੁਬਸ਼ਿਰਉ ਵ ਨਜ਼ੀਰਾ ਲਿਤੁਮਿਨੂ ਬਿੱਲਾਹਿ ਵ ਰਸੂਲਿਹਿ ਵ ਤੁਅਜ਼ਿਰੂਹੁ ਵ ਤੁਵੱਕਿਰੂਹੁ ਵ ਤੁਸੱਬਿਹੂਹੁ ਬੁਕਰਤਉ ਵ ਅਸੀਲਾ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅਦਬ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕਾਮੇ ਹੁਦੈਬੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ
दो पमान होए ने जेड़ा सुला दे सुलानामा ते मियां शरायत लिखियां गईयां ने उधरों मक्के दा सफीर आया सोहेल नमी आया ते इधरों मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने शरायत नामा लिखिया गया ते थले साइन हो गए ने और मक्के वालियां वालों जेड़ा सफीर आया उधे भी सैन हो गए ने ते मेरे पाक पैगंबर ने भी सैन कर दिते ने तवज्जो करना गौर करना जिदों ओ वेखिया शरायत नामे ते के मक्के वालियां दे सफीर ने के इत्थे ते लिखिया मुहम्मद उर रसूलुल्लाह इत्थे ते लिखिया मुहम्मद उर रसूलुल्लाह ए शरायत नामे ते लिखिया जा चुका मुहम्मद उर रसूलुल्लाह कह लगा जी नहीं नहीं मैनू मंजूर नहीं एक कटिया जाए असी तुहानू अल्लाह दा रसूल मनदे ही नहीं असी तुहानू अल्लाह दा नबी मनदे ही नहीं इत्थे लिखिया जाए मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ए लिखिया जाए मुहम्मद उर रसूलुल्लाह कटिया जाए मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया ए अली प्यारिया सुनी जरा तवज्जो दे नाल मेरे आका फरमांदे ने अली प्यारिया ए जेड़ा लिखिया ना मुहम्मद उर रसूलुल्लाह एदे ते कलम कट दे कलम दे नाल ए कट दे मुहम्मद उर रसूलुल्लाह ए कट के ते लिख दे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु नु नबी मोहतरम अली सलाम ने आखिया एक कट दे प्यारे अली आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मेरी मोहब्बत मेरा प्यार मेरी अकीदत मेरा ईमान मैनू इस चीज दी इजाजत ही नहीं देंदा कि मैं रसूलुल्लाह दा लफ्ज कट देवा मैं मुहम्मद उर रसूलुल्लाह दा लफ्ज कटा ए मेरा ईमान मैनू इजाजत नहीं देंदा ए अदब दा तकाजा है ए एहतराम दा तकाजा है ए मोहब्बत ए ईमान ए दोस्तों एहतराम ए मुहम्मद उर रसूलुल्लाह दे लफ्ज दा ही एहतराम ए अली फरमांदे ने मेरा ईमान मैनू इस चीज दी इजाजत नहीं देंदा कि मैं कटा आप फरमांदे ने सुलह होनी चाहीदी ए ते अली मैनू निशान दई करा मैं खुद कट देना नबी मोहतरम ने आप कटिया मुहम्मद उर रसूलुल्लाह की मतलब सुलह होनी चाहीदी ए तेरे सामने ए वाकिया रखन दा मकसद ए वे सहाबा ने अदब कीता ते एहतराम कीता ते हक अदा कीता अली प्यारे ने लफ्ज ही नहीं कटिया केंदे ने मेरी मोहब्बत मेरा अदब एहतराम मेरा प्यार मेरा ईमान मैनू ए इजाजत ही नहीं देंदा कि मैं रसूलुल्लाह दा लफ्ज कट देवा कुरान पाक ताई ते सच कह रहे है वातु अज़ी रूहो वातु वकी रूहो ए मेरे नबी दे उम्मतियो ए मेरे नबी दे यारो जाने सारो मेरे पैगंबर दिया तुसी इज्जतां करनिया ने मेरे पैगंबर दा तुसी एहतराम करना है अदब करना है मेरे नबी अली सलाम दी तुसी तौकीर करनी है गुस्ताखी नहीं करनी तौहीन नहीं करनी बेअदबी नहीं करनी तुसी ताबेदारी करनी है ता कामयाब होवोगे कुरान मजीद ए होए बात दा ऐलान कर रही है आओ तवज्जो करना समझना जरा मुहब्बत प्यार अदब एहतराम सहाबा ने कीता है ते हक अदा कीता है हदीस सही बुखारी दी है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला नो आए ने दौराने खुतबा आए ने ते नबी मोहतरम अली सलाम ने वेखिया ना ए मजमे दे अंदर यानी लोगां दे विचों एक बंदा खड़ा होया है आपने ओदे वाले इशारा करके फरमाया इजलिसो बह जाओ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला नो उन्हां दे कन्नां विच आवाज पई है बह जाओ अदब इना कीता है एहतराम इना कीता है इज्जत नबी पाक दी इन्नी सहाबा कर दे सन उसे जुतियां वाली जगह ते अब्दुल्ला बिन मसूद बह गया है आप अली सलाम ने नजरां मारियां फरमाया अब्दुल्ला मैं तेनू नहीं आखिया मैं ते फुला फुला बंदे नू आखिया है अब्दुल्ला फरमांदे ने
ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਮਾਨ ਉਹਨੇ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਲਿਮਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਕ ਚੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮਲਹੂਜ਼ ਖਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਮਲਹੂਜ਼ ਖਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਅਮਲ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਇਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਿਬੇ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਮੁਤਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਝੂਠ ਆਂਦਾ ਤੋਬਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਅਲੈ ਯੂਜ਼ਬਿੱਲਾ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋਹੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆਕਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਫੁਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਲਿਮਾਤ ਇੰਜ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਮੋਹਤਰਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕਰੀਬ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਦਫਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦਫਨਾ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਸੁਬੋ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਦੀਸ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ
कबर ने बार सुट दिता है। लोगों ने वेखिया इन्होंने क्या लगता ए नबी दे मनन वालियां दा ए नतीजा, क्योंकि ए जेड़ा ए नबी पाक नू बुरा भला कहिंदा सी ए ओदे यारां ने आ कीता होएगा। उन्हां दूजी वारी दूजे दिन दूजी कबर बनाई, होर जगह ते कबर बनाई, कबर बना दिती गई, चले गए दफना के। अगला दिन सुबह होया आके वेखिया फिर जमीन ने चुक के बाहर सुट दिता है, कबर ने इनू कबूल ही नहीं किया। तीसरा दिन इन्होंने तीजी थां ते कबर बनाई है, फिर इनू दफनाया गया है, उत्ते मिट्टी पाई गई है। चौथा दिन होया ना ते आके वेखिया मिट्टी ने चुक के जमीन ने बाहर सुट दिता है। ये जो तीन दिन ये लगातार मामला होया, एक जगह तो मिट्टी ने सुटिया है, दूजी जगह तो जमीन ने बाहर सुटिया, तीजी जगह तो जो बाहर सुटिया, इन्होंने वेख लिया ये यहूदी ईसाई भी बोल उठे ये गुस्ताख सी ना मुहम्मद मुस्तफा दा, ये बेईमान ने तौहीना कीतिया सी ना पाक पैगंबर अली सलाम दियां। वेख लो जमीन जमीन ए मिट्टी ए मिट्टी इनू भी पता है ए मुहम्मद मुस्तफा दा गुस्ताख है, ते जमीन ने भी इनू कबूल नहीं कीता। जमीन ने मिट्टी ने कबर दी ने इनू अपने अंदर समाया ही नहीं, इनू चुक के बाहर सुटिया है। जेड़ा गुस्ताख होवे उनू मिट्टी भी कबूल नहीं करदी, ओ बच नहीं सकदा बेईमान। जेड़ा नबी पाक दी गुस्ताखी करे ओ बच नहीं सकदा, उनू जीन दा कोई हक नहीं, ओ जिएगा ते जिल्लतों तो रसवाई ना, मरेगा ते जिल्लतों रसवाई ना, ओदा अंजाम होएगा ते जिल्लतों रसवाई वाला। तवज्जो करना गौर करना, फिर इन्हां नूं वी यकीन हो गया ये काम नबी दे सहाबा दा नहीं, ये ते मुहम्मद मुस्तफा दा गुस्ताख सी, इसलिए जमीन ने वी इहनूं कबूल ही नहीं कीता। इस वास्ते तेनों मैनू हुक्म है कुरान दा, वतु अज़रू वतु वखीरू, मेरे पैगंबर अली सलाम दी तौकीर करो, अदब करो, एहतराम करो। जेड़ा भी अदबी करेगा, जेड़ा मेरे नबी दी गुस्ताखी तोहीन करेगा, ओ बेईमान दा दुनिया ते आखरत ते अंजाम बुरा है, ओदा अंजाम बड़ा गलत है ते बड़ा बुरा है। आओ दोस्तों तवज्जो कर, ते जमीन मिट्टी नूं भी पता है मुहम्मद मुस्तफा कौन ने। सही मुस्लिम दा एक मैं तेनूं वाकिया सुनावा, सही मुस्लिम चो एक हदीस सुनावा। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया, मैं मक्के दे अंदर एक पत्थर है उनू जानना, मैं उस पत्थर नू जानना। नबी पाक फरमांदे ने मक्के शहर दे अंदर एक पत्थर है, मैं उस पत्थर नू जानना, और रोजाना मैं मुहम्मद नू सलाम अर्ज करिया करदे, और रोजाना मैं मुहम्मद नू सलाम पेश करदे। यानी पत्थर नबी पाक नू सलाम पेश कर रहा है। आप फरमांदे ने सही मुस्लिम दे अंदर, आप फरमांदे ने मैं उनू जानना उस पत्थर नू, ओ पत्थर रोजाना मैं मुहम्मद नू सलाम अर्ज करदे। पता लगा पत्थर भी पहचान देने मुकामे मुस्तफा, पत्थर भी जान देने मुकामे रिसालत, पत्थर भी जान देने रसूलुल्लाह दा मुकाम। पत्थरां नूं भी पता है अल्लाह दा नबी है, अल्लाह दा रसूल है। ओए दोस्ता किवें किवें, एक मिसाल नहीं कई मिसालां। आया अबू जहल आया, इंज करके ने मुट्ठी विच कैंकर रखे ने, ते आंदा है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी जो आंदे जो मैं अल्लाह दा नबी और रसूल हां, ए ते दसो मेरी मुट्ठी विच की है। पाक पैगंबर फरमांदे ने दस मैं दसा कि ए चीज ही दसे कि मैं कौन हां। ओ जेड़ा हैरान हो गया, अबू जाहिल परेशान हो गया, आंदा ए ते ओदू भी वड्डी गल है, मैं आना सा तुसी दसो मेरी मुट्ठी विच की है, ते ए ते ओ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਾਫਰ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਏ ਇਹ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਔਰਾਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਏ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਏ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਏ ਹਦੀਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੰਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ ਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਕਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਬੋਲ ਉੱਠੀਆਂ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੂ ਵ ਅਸ਼ਹਾਦੂ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੂ ਵ ਰਸੂਲੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੈਂਕਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ ਏ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਏ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਗੁਯਾਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਏ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਤੇ ਬਸਨੇ ਵਾਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੈਰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਏ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਏ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਈ ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਏ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਏ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ
तवज्जो करना, कैंकर भी जान देने किन्नू अल्लाह नो ते अल्लाह दे रसूल नो। दसी है अल्लाह इको ही है, वहदहू ला शरीक है, रहमान इको ही है, इबादत जिदी की जाए वह इको ही है, वहदहू ला शरीक है, ओदे नाल कोई शरीक नहीं। ते मुहम्मद मुस्तफा ये अल्लाह दे बंदे भी ने ते अल्लाह दे रसूल भी ने। ए कैंकर गवाइयां दे रहा है, पत्थर गवाइयां दे रहा है, पता लगा कैंकर पत्थर जान देने मुहम्मद मुस्तफा नो, मुकामे रिसालत नो, रसूलुल्लाह दी शान नो, अल्लाह दे नबी दी अजमत नो। ए कैंकर भी जान देने अल्लाह अल्लाह इत्थे ही बस नहीं। हदीस सही बुखारी अंदर है, मेरे आका फरमांदे ने ऐ ओहद पहाड़ जेड़ा मदीना दी सरजमीन ते जाके अल्लाह तुहानू ले जाए, मक्के भी ते मदीने भी अल्लाह सबना नू ले जाए, बार बार ले जाए। मेरे आका फरमांदे ने ऐ ओहद पहाड़ जेड़ा इहदे नाल असी प्यार करने आ, ऐ ओहद पहाड़ मेरे नाल प्यार करदे। आका ने ए हदीस इरशाद फरमाई, अल्लाह अल्लाह हुण इहदे प्यार दी दलील वेख लै। नबी मोहतरम ते अबू बकर सिद्दीक ते जनाबे उमर ते जनाबे उस्मान ने, ए तीनों यार ने ते नबी पाक ने। आका ओहद पहाड़ ते खड़े ने ते ओहद पहाड़ इंज करके हिले, लरजिया है, इन्हें जुम्बश हरकत की है। ते नबी मोहतरम ने अपना दाया पाँव उठाया, अड्डी मारी है ओहद पहाड़ दे, ते नाल नबूवत वाली जुबान खोली है, होंठ नबूवत वाले खुले ने। आपने की फरमाया, उस बुत या ओहद, ऐ ओहद रुक जा, ठहर जा, थम जा, अल्लाह जुलजलाल दी कसम है। अबू बकर गवाह इस बात दा, उमर सोना गवाह इस बात दा, उस्मान सोना गवाह इस बात दा, कमली वाले दी जुबान चो ये अल्फाज आए ने, रुक जा, ऐ ओहद रुक गया, पहाड़ रुक गया, पहाड़ इन्ना मजबूत है, ये पहले नंबर ते ते हिलना एदा समझ ही नहीं आंदा। दूजे नंबर ते जदों अखां नाल वेख लिया अबू बकरो उमर उस्मान ने, ते मेरे नबी पाक ने आका अली सलाम दी जुबान जो इरशाद आया, रुक जा। सहाबा ने वेखिया पहाड़ रुक गया, मन लईए अल्लाह दे नबी दी, मन लईए मुकामे रिसालत है, रसूलुल्लाह दी शान है, अल्लाह दे रसूल दी अजमत ते मुकाम है। जदों अल्लाह दा नबी पहाड़ नू आके रुक जा, ते पहाड़ रुक जांदा है। मैं पूछना चाहना, अल्लाह दे नबी ने इंसान मुसलमान तेनू आखिया सूद नहीं खाना, सूदी कारोबार नहीं करना, तू क्यों नहीं रुकदा? अल्लाह दे नबी ने आखिया गीबतां चुगलियां नहीं करनियां, तू क्यों नहीं रुकदा? अल्लाह दे नबी ने आखिया झूठ नहीं बोलना, तू क्यों नहीं रुकदा? पहाड़ रुक गया, तू क्यों नहीं रुकदा? पहाड़ ने नबी दी मन्नी है, तू क्यों नहीं मनदा? नबी पाक ने सुन्नत चेहरे ते सजाई है, तू क्यों नहीं मनदा? तू क्यों नहीं सूरत नबी पाक जैसी बनांदा? कलमा सोने दा पढ़ के ते गुस्ताखियां कोई करे ते तड़पना, तू आप जिदो सुन्नत नो मुड़ा के पैरां दे विच रोंद देना, तेनू कौन आखे मुअद्दब, तेनू कौन आखे एहतराम करदे, तेनू कौन आखे नबी पाक दा मुहिब्बे? मैं पूछना चाहना, पहाड़ नबी दी मनदे ते सहाबा वेंदे ने, अबू बकर उमर उस्मान वेंदे ने, मन लईए पहाड़ ने रुक गया, रुक गया, अल्लाह अल्लाह रुक गया, पहाड़ रुक गया, नबी दी मन के रुक गया। अगर तू भी सच्चा पैरोकार है ते रुक जा, नबी पाक दिया मुखालफता ना करिया कर, आप दिया हुकम अदूलियां ना करिया कर, आप दिया मुखालफता ना करिया कर, आप दिया बेअदबियां ना करिया कर, आप दिया गुस्ताखियां ना करिया कर। तवज्जो कर, मैं गल मुक दी मुकावा, मेरे ते तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम फरमांदे ने, ऐ
जेड़ा गुस्ताख है उदी कोई सजाए सरतन से। ये फरमाया नबी पाक ने, आपने फरमाया कौन है जेड़ा काब बिन अशरफ दा सर लेके आएगा। हदीस अंदर मौजूद है, गुस्ताखियां करता है, बेअदबियां करता है। सहाबा दे विचों उठिया, हजूर मैं लेके आवांगा ते जाके कतल करके आया है। ये नबी पाक ने फरमाया कौन है जेड़ा सर लिया है, ये गुस्ताख है। ते नबी पाक दा मुहिब उठिया है, ताबियादार उठिया है, सहाबी फरमा बरदार उठिया है, ते सर कलम करके आ गया है, आका दे कहन ते करके आया है। पता लगा गुस्ताख रसूल दी इको ही सजा, सर तन से जुदा। एक मदीना पाक दे अंदर भी एक कतल होया है, ते मेरा नबी कम गया है। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा ए बीबी कतल हुई है, एदा कातिल कौन है, जरा लब्बो ते सही ना, तलाश ते करो ना। नबी पाक ऐलान कर रहे ने सहाबा विच, ते ए नबी ना सहाबी है जिदी ए बीवी है, उम्मे वल्द एदा नाम है दी बीवी दा। ए नबी पाक दियां गुस्ताखियां कर दिए, आका दे बारे नज़ीबा अल्फाज बोल दिए, ते सहाबी अखां तो नबी ने, ए अखां तो ते नबी ने, पर दिल एदा रोशन है ईमान ना, दिल दे अंदर ईमान दी शमा रोशन है, दिल दे अंदर इस्लाम दी शमा रोशन है। इन्हें बड़ा समझाया, बाज आ जा इंज ना करिया कर, ए नहीं बाज आई ना। इन्हें फिर एक दिन गुस्ताखी की थी ए पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी, ते ए नबी ना सहाबी, इन्हें अपने पीछे और दे अंदर एक चीज पकड़ ली है, ते ए आ गया अपनी बीवी दे करीब आ गया। आ करके उम्मीद दे नाल सी एदी बीवी, यानी उम्मीद दे दिना दे अंदर सी, यानी मैं कुर्बान जावा। हदीस अंदर ए नक्शा सारा आया, कलम बंद कीता सहाबा ने, कलम बंद कीता आइमा मुहद्दिसीन ने, कलम बंद कीता ताकि आने वाली नस्लां नूं एक गल पहुंचाई जाए। गुस्ताखे रसूल जेड़ा ओदी इको ही सजा है, सर तन से जुदा है। उनो दुनिया ते जीन दा कोई हक नहीं, उनो दुनिया ते रहन दा कोई हक नहीं। चाहे बीवी है ते सहाबी गवारा ही नहीं करदा कि मेरी बीवी है ते गुस्ताखियां नबी दियां करे, ते इनू खुली छुट्टी दे देवा, सहाबी गवारा ही नहीं करदा। इन्हें अपनी बीवी नूं पेड़ दे उत्ते रख के ते भार पा दिता, खत्म कर दिता, यानी बीवी नू जानो मार दिता है। धुम्मा पै गई ने, एदा खावत ते नबीना है, नबीना की कर सकता है। इनू नहीं पता लगा कौन मार गया, पता ते करो कौन मार गया है। मेरे आका अलैहि सलाम ने इंज सहाबा जमा ने आका ऐलान कर रहे ने, एदा कातल तलाश करो। तुहानू मैं मुहम्मद अलैहि सलाम कह रही, मैनू दसो कौन दा कातल है। अगर किसे नो पता है ते मैनू दसे कौन दा कातिल। नबी पाक ने इनी गल कीती है, इना इरशाद सुनिया ना नबी ने सहाबी ने, ए उठ के खड़ा हो गया मजलस दे विचों पिछे बैठा है। आंदा सोनिया महबूबा, मेरी बीवी दा कातल तलाश ना करो, अपनी बीवी नू मैं खुद कतल कीता। मेरी बीवी का कातल तलाश ना करो, मैं खुद कतल कीता है। मेरे महबूब ने सहाबा दे मजमे जो फरमाया क्यों कतल कीता है, ते ओ सहाबी नबीना ए ही बोलिया, गुस्ताखे रसूल की सजा, सर तन से जुदा। मेरे महबूबा, मेरी बीवी तुहाडे बारे नज़ेबा बोल दी सी, मैं बड़ा समझाया, ए बाज नहीं आई। ते मेरे ईमान ने, मेरी मोहब्बत ने, मेरे अदब ने, मेरे एहतराम ने, एक गवारा नहीं कीता कि बीवी मेरी होवे ते गुस्ताखियां नबी दियां करे। हुण फैसले दा इंतजार, पहला वाकिया होया इंज दा, ते मेरे नबी फैसले दे इंतजार च ने।
कि अल्लाह वल्लों हुक्म आंदा है ते मैं आर्डिनेंस जारी करा, हुक्म जारी करा, की पैगाम आंदा है। ये सहाबा भी परेशान ने, पता नहीं इहदे बारे हुण की पैगाम आंदा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब ने पैगाम भेजिया, ऐ मेरिया महबूबा, जेड़ा गुस्ताख है ओदे खून दा कतरा कराए गाए, ओदा खून राए गाए, ऐस बीबी दे खून दा। रब ताला फरमांदे ने कि ए राए गा गया है, जाया गया है, ए नबी दी गुस्ताखिया सी, ए दे खून दा मुल नहीं पेगा, क्योंकि ए प्यारे हबीब दी गुस्ताख सी, यानी नबी पाक दी गुस्ताखियां कर दी सी। जेड़ा गुस्ताखियां करे ओदे खून दा मुल नहीं पेंदा। वैसे कतल दे बदले कतल ए कुरान दे अहकाम ने, लेकिन उते हुक्म आ गया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैं वही करना तुहाडे वल, अपनी उम्मत नू दस देवो, इस खतून दा, इस बीबी दा खून राय गाएं जाया है। क्यों जाया है? कि गुस्ताखियां कर दी सी, बेअदबियां कर दी सी, तोहीना कर दी सी, ते जेड़ा गुस्ताखियां करे, मर्द होवे औरत होवे, ओदे खून दा राय गाएं जाएगा, ओदे खून दा कोई मुल नहीं पे। दसिया है वे गुस्ताख रसूल की एक कोई सजाए सर तन से जुदा। अकूल को लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।